और देखिए हेरिटेज नगर निगम से बड़ी खबर आ रही है। हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने लिया जायजा। जन्माष्टमी के अवसर पर गोविंद देव जी मंदिर में देखी व्यवस्थाएं और शोभा यात्रा मार्ग का भी जायजा लिया और निगम अधिकारियों के साथ किया दौरा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रवण कुमार वर्मा, उपायुक्त स्वास्थ्य सोहन सिंह नरूगा, उपायुक्त सत्कर्ता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उपायुक्त पशु प्रबंधन राकेश शर्मा सहित सभी निगम अधिकारी मौजूद रहे। गोविंद देव जी मंदिर के आसपास आयुक्त अभिषेक सुराणा ने पैदल किया निरीक्षण। और देखिए उपायुक्त सत्कर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। गोविंद देव जी मंदिर का जायजा लिया, आसपास के इलाके का जायजा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मलखान हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, जन्माष्टमी के अवसर पर गुलाबी नगरी में किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेगी और खासतौर पर गोविंद देव जी मंदिर में किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेगी और अभी फिलहाल किस तरीके से जायजा लिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल गुनगुन, जिस तरह से लगातार एक रोज पहले नगर निगम की जो हेरिटेज की मेयर थी मुनेश गुर्जर ने नगर पूरे क्षेत्र का, गोविंद देव जी क्षेत्र का जायजा लिया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है जन्माष्टमी का, उसी को लेकर आज फिर एक बार नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त हैं अभिषेक सुराणा, जिन्होंने गोविंद देव जी के आसपास के इलाके का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और वहाँ का निरीक्षण किया है जहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी, क्योंकि गोविंद देव जी के पास से जो शोभा यात्रा निकलेगी वो शोभा यात्रा का मार्ग को देखा है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि बड़ी चौपड़ है, बापू बाजार है, त्रिपोलिया बाजार है, छोटी चौपड़ है, चांदपोल है, गोपीनाथ मंदिर है, यहाँ तक पूरी व्यवस्था को देखा गया है और वहीं पूरी तरह से निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है नगर निगम हेरिटेज, क्योंकि उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा जब यहाँ से गुजरेगी इस रास्ते पर किसी तरह की असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से शुक्रिया आपका मलखान तमाम जानकारी के लिए।